प्रणाम सभी को। जय श्री मन्नारायण, राधे राधे, जय सिया राम। जिनके ऊपर राम की कृपा हुई, उनके ऊपर कृपा करे सब कोई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम कृष्ण के दास। जय हो हरि बोल। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। प्राणियों में सत्य की भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए को सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य करें। कुबलिया पीठ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नागाटे की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंग भूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुबलिया पीठ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुबलिया पीठ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुबलिया पीठ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमा कर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने ना देखकर कुवलिया पीठ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंड को भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूछ पकड़ कर खेल खेल में ही उसे 100
हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बाएं आ जाते, और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने ऐसे एक घुसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलिया पीठ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और भी चिढ़ गया। महाबतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूर पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महाबतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंग भूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुबलिया पीठ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों का वज्र कठोर शरीर साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान, कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को, शिशु कंस को, मृत्यु अज्ञानियों को, विराट योगियों को, परम तत्व और भक्ति शिरोमणि विष्णु वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सब ने अपने अपने